Jocks launched music of Huff, It's Too Much with Bollywood singers at Shock Bandra. अब मैंने ये गाना डेढ़ एक साल पहले किया था बिकॉज ऑब्वियसली यू नो पुष्कर इज डूइंग इट ऑन हिज ओन एंड और क्लिंटन और मैं इसमें ये फ्रेम में आने से फ्रेम का वजन बढ़ जाता है उस वजन नहीं केजीज नहीं औदा तो हम दोनों ने एक एक गाना किया है और हम बहुत खुश हैं क्योंकि पुष्कर को मैं नहीं जानता था उसके पहले पर उसको बाद मुझे पता चला कि उसके फैमिलीज हैव बीन प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स देखिए अगर इस शख्स ने अगर पुष्कर ने क्लिंटन को लाया है सलीम को लाया है अदनान को लाया है मुझे लाया है तो आई थिंक अच्छा ही होगा एंड हिज फैम हिज बैकग्राउंड इज नॉट हिंदी इट्स मराठी सो इफ समवन फ्रॉम अ मराठी मी आई एम नॉट सेइंग इट्स स्मॉलर और बिगर बट इफ समवन फ्रॉम अ रीजनल सिनेमा बैकग्राउंड हैज कम इनटू मेनस्ट्रीम एंड हैज गॉट्स एवरीबॉडी इन टर्म्स ऑफ उसके गानों के वट पर या फिर अपने इन्फ्लुएंस के वट पर तो अच्छा ही होगा ये फिल्म का जब मैं गाना सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बोला कि नहीं ठीक है हम गाना तो गाएंगे बट मैंने ऑफर्ड मी टू डू शूट इन द वीडियो आई सेड यस आई विल टेल यू ऑल द सिंगर्स बेसिकली अदनान सामी सर ने जो गाना गाया है वो फिल्म का टाइटल सॉन्ग है yes. तो उसके लिए ऐसा वही सही है कि जो मतलब फिल्म का जो जॉनर है फनी जो जॉनर को मतलब अदनान सर का सीरियस भी सॉन्ग्स है उनके एल्बम में भी तेरा चेहरा में भी इट्स काइंड ऑफ मेलो सॉन्ग्स भी है तो फिर भी एक उनका वोकल जो मतलब ऐसा है ना वोकल टोन जो ऐसा है कि एवरी जॉनर इट गेट्स जस्टिफाइड टू समवेयर वी न्यू दैट ही कैन डू दैट ही कैन गिव जस्टिस टू दैट फनी जॉनर दैट्स व्हाई वी चोज अदनान सर फॉर दैट सॉन्ग एग्जैक्टली एंड देन कुणाल सर सॉन्ग इज अ टिपिकल रोमांटिक सॉन्ग लंडन इज रोमांटिक सॉन्ग सो वी वांटेड कुणाल सर टू सिंग दैट काफ़ी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा कुछ करूं लाइफ में एक दिमाग में कंसेप्ट था जो आज के मैं भी आजकल का यंगस्टर हूं और जिन मैं मेरी जब बात होती है यंगस्टर्स से मेरी काफ़ी फ्रेंड्स है लड़कियां जो काफ़ी कंफ्यूज होती है इंडिसाइसिव होती है तो एक ऐसा कंसेप्ट था जिसमें एक लिव इन रिलेशनशिप के बारे में उसको बहुत ही ह्यूमरस वे से पोर्ट्रे किया गया है अगर एक कपल लिव इन रिलेशनशिप में हो और दोनों कैरेक्टर्स टू मच हो तो क्या ह्यूमर निकलेगा क्या क्योस होगा ये सब टू मच है लड़कियों की जिंदगियों में बहुत ज़्यादा इनडिसिशंस होते हैं और मेरा भी कैरेक्टर कुछ ऐसा ही था जो कि अपना माइंड मेकअप नहीं कर सकता तो काफ़ी लड़कियां और लड़के इसके साथ आइडेंटिफाई कर सकेंगे रिलेशनशिप्स में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं वही इसकी कहानी है नहीं आई थिंक म्यूज़िक एक ऐसा पार्ट है बॉलीवुड का एक अनसंग हीरो होता है आई थिंक बॉलीवुड आज तक 50% फिल्में जो हिट हुई उनका म्यूज़िक 100% हिट हुआ है आई थिंक इन इस फिल्म में भी मेरा एक हमेशा से कहना था फिल्म भी अगर बुरी बन जाए तो म्यूज़िक इसका हिट होना चाहिए तो उस तरह के यंगस्टर्स जिनमें कुछ कर दिखाने का जुनू है वो भी डेब्यू कर रहे हैं साई पीयूष उनका डेब्यू है बहुत ही कमाल के टैलेंटेड बंदे हैं ऑसम आजकल आप देखते हैं कि मेलेडी कहीं खो जा रही है मेलेडी नहीं होती तो इस फिल्म में मेलेडी सॉन्ग्स हैं जो उन्होंने कंपोज किए और उन स्पेसिफिक गानों के लिए वो जो सिलेक्शन ऑफ सिंगर होता है सिलेक्शन ऑफ वॉइस होता है वो हम तीनों ने मिलके किया था सर मैं ये मानता हूँ कि एक फिल्म तीन चीज़ों पे चलती है लोग बोलते हैं कि फिल्म हिट कराने का फॉर्मूला नहीं होता मैं मानता हूँ होता है तीन चीज़ें अगर ये मेरा मानना है कि तीन चीज़ें अगर आपने ये ध्यान रखा एक तो लुक ऑफ द फिल्म जब पहला शॉट आप पहला फ्रेम देखते हो और आप एकदम एक्साइट हो जाते हो तो वो लुक ऑफ द फिल्म जब प्रोमो देखते हैं तो प्रोमो में कंटेंट जो है वो आप भूल जाते हो लुक की वजह से तो एक लुक ऑफ द फिल्म है एक पेस ऑफ द फिल्म है फिल्म कितनी पेसी है डेढ़ घंटे की फिल्म है मैंने बहुत एज एन 90 मिनट की एक शॉर्ट लव स्टोरी बनाई है
एंड द साउंड ट्रैक ऑफ द फिल्म एज इन बैकग्राउंड म्यूजिक द म्यूजिक ऑफ द फिल्म. तो ये तीन चीज़ें मैंने उन पर बहुत फोकस किया था और एंड इसकी वजह से आई थिंक एक डिसेंट प्रोडक्ट निकला है. यस, क्योंकि आजकल लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, सब जगह स्ट्रेस है. महंगाई बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गया है, लड़कियों के नखरे बढ़ गए हैं. तो आई थिंक 25 तारीख को फिल्म ऑडियंस थिएटर में आए, स्ट्रेस फ्री होके बाहर जाएं, अ वेरी फील गुड फैक्टर लेके जाएं, आए हंसे और वापस जाएं.